काफ़ी दिनों से एक बात चल रही थी दिमाग में कि अपने कस्टमर के साथ में शेयर करूं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, जो हकीकत है कि बहुत लोग जानते समझते हैं ना कि बिल्डर जो है वो प्राइजिंग कैसे डिसाइड करता है। दोस्तों मैं बता दूं कि बिल्डर क्या करता है, उसका मैं थोड़ा सा मैं इंटरनल प्रोसेस की बात करता हूँ जो आप बिल्कुल नहीं जानते, तो आपको ये पूरा सब्जेक्ट देखना ज़रूर ताकि आपको एक अंदाज़ा मिलेगा क्या है कि आप जीवन भर कमाते हैं बिजनेस से, जॉब से, अलग अलग जगह से, लेकिन उस पैसे को अल्टीमेटली कहाँ खर्चा करते हैं। कि भाई अगर मोटा पैसा देखो ना, तो सबसे ज़्यादा जो मोटा पैसा खर्चा होता है ना, वो प्रॉपर्टी के पीछे खर्चा होता है, प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे खर्चा होता है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कभी कोई ट्रेनिंग लेते ही नहीं है। आप पढ़ाई कर लेंगे कमाने के लिए, पढ़ाई कर लेंगे कि भाई चलो फैशन डिजाइनिंग कर लेते हैं, लोग अलग अलग टेलर से डिसाइड करते हैं कपड़े खरीदने के लिए, बाल बनाने के लिए सैलून में जाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कभी ट्रेनिंग नहीं लेते कि भाई मैं जीवन भर का कमाया हुआ पैसा कहाँ डाल रहा हूँ और कितना डाल रहा हूँ, कितना रिटर्न आएगा, क्या परसेंटेज देखना है, ये सब कुछ काम नहीं करते। वो मैं बात करूंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज जो बात करने वाला हूँ ना कि बिल्डर का प्राइस डिसाइड कैसे करते हैं। देखो एक जनरल सी बात है कि बिल्डर पहले तो लैंड खरीदता है या फिर किसी का ज़मीन रहता है, उससे वो जॉइंट वेंचर में साइन करता है कि मैं अगर समझ लो एक 5 एकड़ का लैंड है, उसमें मैं एक 5000 फ्लैट बनाऊंगा जिसमें कि 60-40 का कंडीशन रहेगा, यानी कि लगभग 300 फ्लैट मेरा रहेगा और 200 फ्लैट आपका रहेगा। इस कंडीशन में एक तय करता है, एक डिपॉजिट भी दिया जाता है जब वो लैंड अपने कमांड में लेता है, अपने साथ द्वारा उतारा अपने ऊपर शिफ्ट करता है तब, या फिर जॉइंट वेंचर में साइन करता है तब। लैंड उसके कब्जे में आ गया, उसके बाद अगर उसका खुद का फंड है तो ठीक है, नहीं तो किसी एक बड़े इन्वेस्टर को पकड़ता है जो 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट करे, और उसका भी एक परसेंटेज डिसाइड होता है कि इतना आपको प्रॉफिट में, इतना रेशियो आपको, इतना परसेंटेज मिलेगा। ये हो गया। दूसरा, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है, कहीं BMC, TMC, MBMC, ग्राम पंचायत, जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बॉडी काम करती हो, जो भी बिल्डिंग बनाने की परमिशन देती हो, उससे वो पासिंग करता है। उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो बिल्डिंग बनाएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर जो है इंजीनियर को हायर करता है, साथ ही साथ एक कंपनी फर्म होती है जो साथ में जॉइंट वेंचर में जो होती है, उसमें फिर कंपनी का नाम जो भी XYZ रखें, फिर आर्किटेक्ट, CA, इंजीनियर उसके ऊपर काम करते हैं। ये सब हायरिंग हो जाती है। हायरिंग होने के बाद कंस्ट्रक्शन जब चालू होता है, तो जब वो प्लिंथ लेवल तक आता है तब तक एक सेल्स टीम भी हायर करी जाती है कि अब उसको सेल करना है, सेल्स करना है कस्टमर को। उसके बाद फिर सेल्स टीम हायर होता है तो उसका एक एक्सपेंस जोड़ा जाता है। फिर जो आप देखते हैं हाईवे पे होर्डिंग बोर्डिंग जो होता है, होर्ड लगता है, बोर्ड लगता है अलग अलग जगह पे, उसके खर्चे जोड़े जाते हैं। फिर सोशल मीडिया पे ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑफलाइन मार्केटिंग तो हो गया होर्डिंग और बोर्डिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में सोशल मीडिया, वहाँ पे कितना खर्चा आएगा वो भी एक बजट बनाया जाता है। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में जो प्रॉपर्टी इस्टेट एजेंट के थ्रू बिकेगा, उस एजेंट इस्टेट एजेंट को कितना ब्रोकरेज दिया जाएगा, ये भी उसी में डिसाइड हो जाता है। उसके बाद ओवरऑल सब खर्चे को डिसाइड करके फिर एक बजट बनता है कि चलो प्रोजेक्ट का प्राइस ये रखा जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नए नए बिल्डर जब नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना किसी एरिया में, मान लीजिए कि मेरा थाने में काम है, मीरा रोड में काम है, बोरीवली में है, अंधेरी में है, बांद्रा में है, तो ऐसे जो बड़े ब्रोकर्स होते हैं उनको ये लोग बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं पर्सनली कि क्या प्राइस डिसाइड करना चाहिए, यहाँ के पब्लिक का क्या डिमांड है, कितना रखना चाहिए, ये सब जब मीटिंग होती है तो उसी टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सब पैसे को ज्वाइन करने के बाद, सब खर्चे को ज्वाइन करने के बाद एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतने रुपये पर स्क्वायर फुट कारपेट हम सेल करेंगे, तो मेरा जो प्रॉफिट रेशियो है 20-30% का वो निकलेगा, प्लस ये सब खर्चे सब उसमें ऐड होता है। अब कस्टमर का सवाल ये होता है, कभी कभी कस्टमर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, अपने किसी खास जिसने उसको उस प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है ना, चाहे वो ब्रोकर होगा, चाहे वो एजेंट होगा, कंसल्टेंट होगा, चाहे एडवाइजर होगा, डीलर होगा, या फिर चैनल पार्टनर होगा, ये सबको छोड़ के वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लेने चले जाते हैं, इसलिए कि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद ना उनका कुछ पैसा बच जाएगा। देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डेवलपर पूरा प्राइस डिसाइड करता है
कि क्या प्राइस हमको पड़ने वाला है, उसमें एजेंसी चार्ज भी जोड़ देता है वो, ये सब कुछ करके वो डिसाइड करके बेच रहा है। तो आप एक बात समझो कि क्या आपको वो देगा, अच्छा क्या आपको सस्ता पड़ेगा। प्राइस तो वहाँ पे जोड़ा हुआ है, सब डिसाइड किया हुआ है, एक बात। दूसरी बात, ये सेल्स टीम को ना एक इंसेंटिव भी रहता है कि आप जितना ज्यादा कलेक्शन उठाओगे ना, उनके जो डायरेक्ट टीम होती है, जितना ज्यादा कलेक्शन उठाओगे ना उतना ज्यादा कमीशन आपको मिलेगा। इस चक्कर में आप सीपी को, ब्रोकर को भी छोड़ देते हैं जिसको एक्चुअल प्राइस मालूम है, वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन मालूम है, वहाँ के इन एंड आउट पूरा मालूम है, उस एरिए के लोकल ब्रोकर को भी छोड़ के आप डायरेक्ट चले जाते हो। अरे कितनी बार तो मैंने देखा हूँ कि मैं जिस प्रोजेक्ट को 15,200 में सेल किया, बगल में डायरेक्ट कस्टमर जाके 15,800 में लेके चला गया, और वो कह रहा है हमने फ़ायदे में ले लिया, 16,500 का कोटिंग था, यानी कि मुझे 700 रुपये कम में मिल गया, और मुझे पता है कि उसका फाइनल प्राइस 15,200 रुपये है, बॉटम प्राइस जो बिल्डर का दिया हुआ सेल्स टीम का टारगेट में जो है, उसके ऊपर 600 रुपया पर स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा देके आ गया। आप एक बात समझिए कि अगर उसने जोड़ी जोड़ी का 2BHK 2BHK दो फ्लैट लिया 1,000 स्क्वायर फुट का, तो 2,000 स्क्वायर फुट का उसने कम से कम 600 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से 12 लाख रुपये एक्स्ट्रा देके आ गया। 12 लाख रुपये तो उसने फ्लैट का एक्स्ट्रा दिया, प्लस उसका जो रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी GST लगेगा, ये पूरी अलग बात है। तो ये सब चीज़ें आप कुछ समझें, इसका इंटरनल क्या होता है हर एक प्रोजेक्ट में। बिल्डर एक बार में, बिल्डर एक प्रोजेक्ट नहीं बनाता, वो आप देखें तो अलग अलग 10 प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसको कहाँ इतना टाइम है कि अलग अलग वो सेल्स टीम सेट करे कि भाई ये डायरेक्ट जो कस्टमर आएगा इसका ये भाव देना है। अरे आप एक बार समझो, एक सेल्स टीम सेट करने में 10-10 लोगों की टीम लगती है, एक एक लोगों का 1,50,000 रुपये पगार होता है, 10 लाख रुपये सैलरी हो जाता है, तो कहाँ से वो डबल टीम सेट करेगा। वो एक ही प्राइस एक ही टीम सेट करती है, उसमें सब जोड़ के सेट करती है, उसके ऊपर जो बिकता है उसमें से इंसेंटिव सेल्स वाले को जाता है। तो कभी भी आप ये गलत फहमी में मत रहो कि हम सीपी को या ब्रोकर को छोड़ देंगे तो हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा या एक्स्ट्रा ब्रोकरेज मिल जाएगा। ये मेरे माइंड में काफ़ी दिन से ये चल रहा था, तो मैंने बताया क्योंकि अभी मैं एक रिडेवलपमेंट का काम लेने जा रहा हूँ, उसमें कुछ बिल्डर और इनकी चल रही है डिस्कशन, तो उसमें जो बातें हमारे से हुई है, प्राइस में डिसाइड हुआ है, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर किया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। बाकी मिलता रहूँगा ऐसे नए नए नॉलेज के साथ। फ़िलहाल तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।